वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो से मैं करूंगा बकार्डी व्हाइट रम का रिव्यू। फ्रेंड्स, अगर मैं एक क्वेश्चन करूं, आपके पास आंसर नहीं है, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, पांच व्हाइट रम का नाम बताइए बकार्डी के अलावा। अगर सच में याद है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप बड़ी मुश्किल से दो और नाम ढूंढ कर निकल पाएंगे। तो एक बार इमेजिन कीजिए कि ये जो है बकार्डी व्हाइट रम, ये कितना पॉपुलर है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, कि जब भी हम लोग व्हाइट रम के बारे में सोचते हैं तो डायरेक्टली बकार्डी ही हम लोग के सामने आते हैं। फ्रेंड्स, आज इसका ही करूंगा रिव्यू, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि इस ब्रांड का नाम है बकार्डी। अच्छा, ये बकार्डी नाम क्यों है क्या आप जानते हैं? फ्रेंड्स, अगर बकार्डी का लेवल को और पढ़ेंगे तो ठीक नीचे लिखा है कार्ता ब्लांका। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अगर आप एक ट्रू रम लवर है और वो भी बकार्डी, तो फिर इसको तो जानना ही चाहिए। बकार्डी एंड कार्ता ब्लांका के ठीक नीचे एक और वर्ड लिखा गया है, सुपीरियर व्हाइट रम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज रिटन सुपीरियर व्हाइट रम, शायद आप ये भी नहीं जानते हैं। बकार्डी बॉटल में एक लोगो आप अगर नोटिस करेंगे, ये देखिए रेड लोगो, जहां पर एक बैट है, चमगादड़ है। और ये लोगो को क्यों इस्तेमाल किया गया ये भी शायद आप नहीं जानते। एंड फाइनली नॉट इन द लिस्ट, व्हाई दिस ब्रांड सुपर फेमस ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो चलिए आज इस वीडियो से हम लोग इन सब बेहतरीन इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, ठहरो आगे बढ़ेंगे, बट यार कभी कभी आप लोग ना लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हो क्या यार? ये बहुत गलत है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, सिर्फ यही तो मतलब लाइक और सब्सक्राइबर के लिए ना, तो यार बटन को क्लिक कर दो। हाँ, थैंक यू, वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पहले हम लोग जानेंगे इसका नाम, मतलब बकार्डी नाम कैसे आया। डॉन फकुंडो बकार्डी मेसो, इसको आप जानते हैं? अरे नहीं जानते तो अभी जान लीजिए, यह है फाउंडर बकार्डी का। और ये जो फाउंडर है, इसका जो नाम है डॉन फकुंडो बकार्डी मेसो, ये जो बकार्डी है इसी को इसमें इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब है फाउंडर के नाम से इस ब्रांड का नामकरण किया गया है। अब सेकंड पॉइंट में मैं बताऊंगा कि बकार्डी की लोगो के बारे में। देखिए ये जो लोगो है ये रेड है और अंदर में एक बैट का मतलब पिक्चर है, चमगादड़ का पिक्चर है। तो ऐसा क्यों, ये लोगो को ही क्यों चुना गया था? 1862 में डॉन फकुंडो बकार्डी मेसो अपनी भाई के साथ ये डिस्टिलरी की स्थापना की थी, और उन टाइम पे जो वेयरहाउस को उन्होंने खरीदा था वो वेयरहाउस बहुत पुराना हुआ करता था, बहुत ओल्ड एक बिल्डिंग था और उसके अंदर में बहुत सारे बैट हुआ करते थे। और उन जमाने में, मतलब 18 शताब्दी का मैं बात कर रहा हूँ, उन जमाने में मिस्टर फकुंडो बैट को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मानते थे, एज अ गुड लक साइन मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने बैट को चुना। थर्ड पॉइंट पे मैं बताऊंगा कि क्यों इसमें लिखा रहता है कार्ता ब्लांका। यार आप लोग इतने बार बकार्डी पिए हो बट कभी ये ढूंढने का कोशिश नहीं किया, तो मैं बताऊंगा ना आपके लिए, तो मैं हूं इसलिए क्या चाहिए, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब। कार्ता ब्लांका, कार्ता और ब्लांका ये दो अलग अलग वर्ड है। इसका मतलब है, कार्ता का मतलब है लेवल एंड ब्लांका का मतलब है व्हाइट। तो ये जो लेवल व्हाइट है इसी को दर्शाया गया है। और अगर नोटिस करेंगे बकार्डी की जो और अलग अलग ब्रांड है, किसी किसी में लिखा रहता है ओरो, ओरो का मतलब है गोल्ड। और अगर नोटिस कीजिए देखिएगा, ओरो में गोल्ड कलर को भी इस्तेमाल की गई है। और भी बहुत सारा है उनमें से, जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है नेग्रा, नेग्रा मतलब ब्लैक। तो ये जो वर्ड्स है इसीलिए चुना गया है। तो कार्ता ब्लांका का मतलब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, और इस पॉइंट में मैं बताऊंगा कि सुपीरियर व्हाइट रम ये क्यों लिखा जाता है बकार्डी में, और इसके पीछे भी एक गहरा राज है। सुपीरियर मतलब एक स्पेशल बैच ऑफ रम जिसको एज किया गया है मिनिमम एक साल और मैक्सिमम दो साल, उससे ज्यादा नहीं, और एज किया गया है लाइटली चार्ट व्हाइट ओक विस्की बैरल में। जी हाँ, विस्की का जो बैरल होता है ना, उसकी जो अंदरूनी हिस्सा है उसको जलाते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में आप अंदरूनी हिस्से को जलाएंगे तो उसको कहा जाता है हेवीली चार्ड ओक बैरल, और अगर बहुत कम मात्रा में आप जलाएंगे तो उसको कहा जाता है लाइटली चार्ड ओक बैरल।
तो इस बकाटी राम को एज करने के लिए स्पेसिफिकली चुना जाता है लाइटली चार्ड ओक बैरल को, तो इसीलिए इसको कहा जाता है सुपीरियर व्हाइट रम। इसमें एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे ही आप कोई भी व्हाइट स्पिरिट को बैरल में एज करेंगे तो इसका जो कलर है ना ये थोड़ा धुंधला हो जाएगा, बट आप नोटिस कीजिए कि एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी की जैसे, इवन पानी से भी स्वच्छ इसका कलर है। तो ये कैसे हो गया? सिंपल है, जब एज्ड हो जाती है तब इस पर्टिकुलर रम को चारकोल फिल्टरेशन के जरिए इसको रीफिल्टर किया जाता है, तो वो फिल्टरेशन प्रोसेस के कारण इसका जो धुंधला कलर है वो क्रिस्टल कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको मालूम चल गया कि इसको क्यों सुपीरियर व्हाइट रम कहा जाता है। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट कि व्हाई बकाडी सुपीरियर और बकाडी कार्ता ब्रांड का इतना पॉपुलर है एज अ व्हाइट रम, वर्ल्ड वाइड इतने क्यों बिकते हैं, इसके अगल बगल में क्यों कोई ब्रांड नहीं है, चलिए इसके ब्रांड के बारे में जानते हैं। बकाडी को जब इन्वेंट किया गया था, मतलब 1862 साल की मैं बात कर रहा हूं, उन दिनों रम मिलते थे मार्केट में, बट बहुत क्रूड एंड बहुत हर्श किस्म का एल्कोहल मिलता था। रम को उन दिनों गरीब और उससे भी नीचे की वर्ग की लोग पिया करते थे, वो इसलिए बहुत फेमस हो गया था गरीबों का एल्कोहल। बट उन टाइम पे रम को प्रीमियम तरीके से रिप्रेजेंट किया था मिस्टर फकुंदो ने। क्या किया था? फर्मेंटेशन के टाइम पे एक स्पेशल ईस्ट का इस्तेमाल किए थे मिस्टर फकुंदो, जिसका नाम है ला लेवेडुरा बकाडी। हालांकि ऐसा कोई स्पेसिफिक ईस्ट और ऐसे नाम से कोई भी ईस्ट मार्केट में सेल नहीं होता है, ये बहुत ही यूनिक एक ईस्ट है जिसको ढूंढ के निकाला था मिस्टर फकुंदो ने खुद संतियागो दी क्यूबा की बाहर एक गन्ने की खेत से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बकाडी फैमिली के अलावा इस पर्टिकुलर ईस्ट के बारे में किसी को मालूम नहीं है, और ये जो सीक्रेट ईस्ट है ये काफी हद तक फर्मेंटेशन में बकाडी का जो होल एंड सोल कैरेक्टर है उसको देते हैं, तो ये काफी सीक्रेट एक बात है। बकाडी ब्रांड अपनी ब्रांड को यूनिक बनाने के लिए एक ऐसा प्रोसेस को अप्लाई किया है कि शायद कोई दूसरा ब्रांड नहीं करता है। बकाडी यूजेस अ प्रोसेस कॉल्ड पैरेलल डिस्टिलेशंस टू क्रिएट देयर रॉ रम स्पिरिट, एक ऐसा डिस्टिलिंग प्रोसेस जहां से फर्मेंटेड लिक्विड को दो अलग अलग स्पिरिट वर्सन में क्रिएट किए जाते हैं। एक साइड में हाफ ऑफ द लिक्विड को कलम स्टील मेथड में वन टाइम रन किए जाते हैं या वन टाइम डिस्टिल किए जाते हैं, और जिसका नाम रखा गया है एगुअर दिंती, जिसको कहा जाता है बकाडी का बैकबोन स्पिरिट। ऑन द अदर साइड द लिक्विड इज प्रोसेस थ्रू अ सीरीज ऑफ कलम स्टील टू प्रोड्यूस अ लाइटर स्पिरिट कॉल्ड री डिस्टिलादो। अब जब ये बन जाता है स्पिरिट रेडी हो जाता है तब उसको शिपिंग किया जाता है पोर्टो रिको से फ्लोरिडा की तरफ। फ्लोरिडा में एक स्पेशल लोकेशन है जिसको कहा जाता है जैक्सन विले, और वहीं पे होता है इस पर्टिकुलर ब्रांड का एजिंग बॉटलिंग एंड ब्लेंडिंग। और जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि सुपीरियर क्वालिटी का मतलब क्या है, एक स्पेशल किस्म का फिल्टरेशन, और वो फिल्टरेशन हो जाने के बाद इस ब्रांड को बॉटल करके ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड किए जाते हैं। तो ये जो रम बनाने का प्रोसेस है, इस प्रोसेस के कारण आज बकाडी एकदम यूनिक बन जाते हैं, बहुत वर्सेटाइल बन जाते हैं, और एक अमेजिंग प्रोडक्ट बन जाते हैं, और जिसके कारण आज बहुत फेमस है बकाडी रम। वेल, बकाडी रम का जो प्राइस है उसका अगर बात करूं तो इसका प्राइस है 1120 इन कोलकाता, आपके शहर में शायद कम हो सकता है, जहां पर आपको मिलेगा 750 ml का बकाडी रम, 42.8% अल्कोहल वॉल्यूम एंड 75% प्रूफ के साथ। तो टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करने के साथ साथ आपको बताते हैं कि इसके अंदर में नोट्स क्या क्या मिलेंगे। यूजुअली बकाडी रम बहुत अलग अलग तरीके से पिए जा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पीना है, बट आप लोग बेहतर जानते हैं। आप कैसे पीते हैं लिखिएगा ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं भी जानूं कि आप लोग कैसे पीते हो बकाडी रम को। एनीवे, तो एक चीज़ याद रखना कि ड्रिंक्स बने हैं एंजॉयमेंट के लिए, ना कि इंटॉक्सिकेशन के लिए, तो ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, ड्रिंक मॉडरेटली। क्रिस्टल क्लियर है, इवन पानी से भी स्वच्छ है, मैं बताऊँगा। और जैसे मैंने खोला तो यस, अल्कोहल का जबरदस्त भपका मिलने लगा है,
तो मैं थोड़ा इसको रेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा घुमा के इसका जो अल्कोहल भपका है थोड़ा सा रिलीज कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि अच्छा खासा अल्कोहल का भपका देता है रम, वाइट रम। यस, भपका तो मिल रहा है। ऑनेस्टली मैं अगर बताऊं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कोहल का भपका है एंड कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा आलमंड कट नोट्स मिल रहा है और मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा फ्रूटी नोट्स को भी मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। बाय द वे मैं आपको बता दूँ, आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो स्पेशली फॉरेन कंट्री में जो बकाडी बनता है उसका, बट आप जान लीजिए कि ये ब्रांड को टोटली इंडिया में बनाए जाते हैं। बट रिमेंबर, यहाँ पर एक स्पेशल किस्म का स्पिरिट को इस्तेमाल की जाती है जिसके कारण एग्जैक्टली सेम टेस्ट करता है फॉरेन कंट्री का जो बकाडी है उसके साथ। मैंने एक बार फॉरेन कंट्री का बकाडी को टेस्ट किया था तो मुझे बहुत हद तक सिमिलर टेस्ट लगा था। एनीवे, चलिए अभी थोड़ा सिप करते हैं। ओवरपावरिंग नोट, बहुत ही ओवरपावरिंग है, मतलब चीर के जा रहा है, मतलब ये समझ में आ रहा है, बट यही नेचर है रम का। अगर आप देखेंगे तो वाइट रम रॉ होने के कारण आपको नेचुरल स्पिरिट का जो फ्रेग्रेंस है, एरोमा है, टेस्ट है वो देता है, तो बड़ी मुश्किल से आपको फ्लेवरिंग नोट्स मिलेंगे वाइट रम से। मैं अगर फ्लेवर का बात करूँ तो मुझे मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ इसके फ्लेवर के बारे में, मुझे ठीक ठाक से नहीं मिल रहा है, बट हाँ मुझे काफ़ी क्रीमी लग रहा है। और साथ साथ मैं बोलूँगा, जब मैंने पी लिया, पीने के बाद जब मैं बातें कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे हल्का स्मूथ फीलिंग दे रही है, तो ये शायद इस पर्टिकुलर रम का कैरेक्टर है। अगर फिनिश का बात करूँ तो मैं बोलूँगा कि यस, ये ड्राई है, काफ़ी हद तक आपका माउथ को ड्राई कर देता है तो आपको पानी पीने का मन करेगा। काफ़ी क्लीन है एंड फ्रेश है, इससे ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं कुछ बोलने लायक, बट हाँ मैं इंतज़ार करूँगा आपका कमेंट्स का कि आपको क्या क्या नोट मिला है, लिखिएगा ज़रूर। तो कैसा लगा ये रिव्यू, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है, सच में, तब जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और हाँ, मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ drink responsibly and don't drink and drive. Jai Ho!